बॉलीवुड कलाकारंक ठारु साउथ कलाकार माने दिनकु दिन अधिक लोकप्रियता अर्जन करछंती। जदि आमे किछि दिनर फिल्म को तर्जमा करबा ताहेले साउथ फिल्म अधिकरु अधिक लोकप्रियता संग को भल रोजगार मध्य करुछि। तेबे साउथ अभिनेत्री माने केते टंका प्रति फिल्म पिछा नियंती, केते टंकार मालिकानी से माने, एभली अनेक प्रश्न समस्तक मनरे उपजुथिबो निश्चय। तेबे आज आम वीडियो माध्यम रे साउथ इंडस्ट्री रो पांच जन अभिनेत्री संपर्क में जनाइबू कहा पाखरे केते टंका रही जानिया पाई वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। अनुष्का सेठी साउथ फिल्म इंडस्ट्री रो बेस चर्चित नाटिए तेलुगु तमिल फिल्म रे तांकर बेस दबदबा रही। बाहुबली नागार्जुन सह अभिनीत डॉन चलचित्र रे तांकु देखिथिबे निश्चय। एक मीडिया रिपोर्ट मुताबक एबे से 119 कोटी टंका रो मालिकानी, मासिक से 1.5 कोटी रु अधिक टंका रोजगार करुछंती। गोटिए गोटिए विज्ञापन पई मध्य कोटी कोटी टंका नेउथिया बेले फिल्म पई 4 रु 5 कोटी टंका नियंती। तमन्ना भाटिया देखिबा को जेमिती सुंदर अभिनय मध्य सेतिकी निखुण, तांको अभिनीत अनेक फिल्म बॉक्स ऑफिस रे धमाल मचाई। तेलुगु तमिल समेत बॉलीवुड रे मध्य अभिनय करी कोटी कोटी टंका रोजगार करुथिबा तमन्ना गोटिए फिल्म पई 4 रु 5 कोटी टंका पारिश्रमिक नेउथिया बेले आइटम डांस पई 50 लक्ष रु अधिक टंका नियंती। एबे से 111 कोटी टंका रो मालिकानी अटंती। सामंथा तेलुगु तमिल फिल्म रे अभिनय करी निजर दर्शकों महल रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करितिबा सामंथा मध्य कोटी कोटी टंका रो मालिकानी अटंती। से मासिक 70 लक्ष टंका रु अधिक रोजगार करुथिया बेले तांको समुदाय संपत्तिर मूल्य 99 कोटी। काजल अग्रवाल एही नाम ही यथेष्ट, तेलुगु तमिल कन्नड़ संग को बॉलीवुड रे अभिनय एक छाप छाड़ी अभिनेत्री होछंती काजल अग्रवाल। अनेक हिट फिल्म रे अभिनय करथिया बेले बहुत कम दिन मध्यरे सफलतार शीर्षरे पहुंचीथिबा ई अभिनेत्री गोटिए फिल्म पई 3 रु 4 कोटी नेउथिया बेले तांकर संपूर्ण संपत्तिर मूल्य 86 कोटी। नयनतारा विवाह बंधन में बांधि होइथिबा एई साउथ अभिनेत्री मध्य धनी मामलें बेस आगरे रहिछंती। से मध्य गोटिए फिल्म पई 4 रु 5 कोटी टंका नेउथिया बेले तांकर संपूर्ण संपत्तिर मूल्य 74 कोटी टंका अटे। तेबे आमर ए भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबाकु भूलिबेनि। भिडियोटी को अधिक रु अधिक लोकंक पाखरे पहुंचाइबाकु शेयर करंतु आउ आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करबाकु जमा भूलिबेनि।